से हम जा रहे हैं बैजनाथ, यहाँ से बैजनाथ 42 किलोमीटर है चामुंडा देवी से। तो अब हम निकल रहे हैं बैजनाथ की तरफ। ये नदी आपने देखी होगी, वो पीछे पहाड़ है सुंदर से, और ये नदी जो मंदिर के पास से जा रही है ये वो नदी है साथ में। ये देखिए माउंटेन रेंज हिमालय की, ये कांगड़ा धर्मशाला है, धौलाधर रेंज है ये। ये देखिए और नीचे वो देखिए चामुंडा देवी टेंपल है। और ये पहाड़, हम हिमाचल में हैं अभी, तो ये पहाड़ यहाँ पे आपको दिख रहे थे। तो ये देखिए रास्ते में कितने सुंदर पहाड़ हैं, रुक के फोटो ज़रूर खींचिए यहाँ पे। ये देखो ये थोड़ा और हम पास जा रहे हैं, कितना अच्छा आ रहा है व्यू, नीचे नदी बह रही है साथ में। सर्दियों में हिमाचल वाइट वाइट लगता है और गर्मियों में ग्रीन ग्रीन लगता है। ये देखो जंगल का स्कर्ट्स आ गया। ये देखिए फॉरेस्ट, बैजनाथ के रास्ते में जा रहे हैं हम। तो ये हम आ गए बैजनाथ मंदिर में। ये आ गया मंदिर, ये बहुत सुंदर सा लॉन है यहाँ पर। ये मंदिर आ गया बैजनाथ का, ये साथ में जो माउंटेन्स हमारे साथ जो धौलाधर रेंज। तो ये बहुत प्राचीन मंदिर है। अब यहाँ पे एक सरोवर भी है जिसमें पानी तो है नहीं। यहाँ से जाने का रास्ता है, तो यहाँ पर जूते चप्पल मुख्य द्वार उधर से, यहाँ पे भी एक द्वार है। तो ये मुख्य द्वार जाने का रास्ता, और ये देखिए प्राचीन मंदिर है, ये पुरानी ईंटें, एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़, और उधर एक साइड लिखा गंगा घाट। ये आ गया मुख्य द्वार। तो ये देखिए मुख्य द्वार, ये आ गया मुख्य द्वार। यहाँ पे जूते चप्पल उतारने का ये मंदिर, तो इसके एंट्रेंस है, तो इसके यहाँ पे ये मंदिर है बैजनाथ का। और यहाँ फोटोग्राफी बना है तो यहीं तक ही दिखा सकते। ये
आप देखिए बैजनाथ के पास का दृश्य, और मेरे पीछे आप मंदिर देख सकते होगे। और ये जो मंदिर है, ये 8वीं शताब्दी का बना हुआ है, और रावण ने यहाँ पे तपस्या की थी भगवान शिव की, और जब उनको वरदान मिला था कि खुश हो गए थे वो कि आप मुझे ले जाओ शिवलिंग को मेरे साथ लंका चलो, तो वो यही है मंदिर। तो यहाँ पे इनका पूजा बहुत तपस्या की भगवान शिव की तो रावण ने, और ये मंदिर बहुत बारी टूटा और बना है, वो एक मुख्य द्वार यहाँ पे है, और इनका जीर्णोद्धार बहुत बारी हुआ है। तो अब ये जो लेटेस्ट मंदिर है ये 8वीं शताब्दी का है ये, और बहुत सुंदर है मंदिर। आप ज़रूर यहाँ पे आएँ बैद्यनाथ मंदिर में। और वो देखिए यहाँ पे वानर सेना भी घूम रही है बहुत सारी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और मेरे चैनल का नाम है ग्रेट नंदा, और मेरा नाम है विक्रांत नंदा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय। और वो देखिए बादलों में पूरी धुंध और ये सब छा गया, पहाड़ों पे बादल ही बादल हो गए हैं, और ये मंदिर फिर से।